वेलकम बैक दोस्तों। आज है मेरे पास सैमसंग का A30s जो हाल ही की लॉन्च हुआ है मार्केट में, और ये मैंने अनबॉक्सिंग के लिए मंगाया है। इसकी जो बॉक्स पे इन्फिनिटली वी डिस्प्ले एंड आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा एंड आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। इसमें ये 64 GB एंड 4 GB रैम में अवेलेबल है मेरे पास, और आपको ये 32 GB और 3 GB रैम में भी मिल जाएगा। बाकी 128 GB उस 4 GB रैम भी मिल जाएगा। ये इसके साथ आपको कवर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट कवर होगा, और बाकी ये इसके साथ 15 वाट का चार्जर रहेगा जो कि फास्ट चार्जर है ये। और ये आपको इसके साथ चार्ज करने के लिए डेटा केबल मिलेगी USB। और आइए दोस्तों फ़ोन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये वेरिएंट आपको 3-4 कलर में अवेलेबल होगा, प्रीशियम क्रश ब्लैक में, प्रीशियम क्रश वाइट एंड ग्रीन, प्रीशियम क्रश वायलेट 2 में अवेलेबल होगा। ये साइड में आपको अनवांटेड की जो भी आपको की मिल जाती हैं ऑन ऑफ के लिए। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, नीचे की साइड आपको फ्लैश मिल जाएगी, सामने जो फ्रंट कैमरा होगा आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 6.4 इंचज़ का डिस्प्ले लगा होगा और 100.5 सेंटीमीटर का, 84.9% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। और बाकी रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x5060 पिक्सल में आपको 90.5.9 x 286 ppi डेंसिटी होगा, जो कि आपको धूप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों ये फ़ोन का रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी इस फ़ोन में जो इफ़ेक्ट वगैरह हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट जो दिया हुआ है इन डिस्प्ले उसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों, इसमें आपको एंड्रॉयड 9.0 पाईएस्ट मिल जाएगा। और सीपीयू की चिपेस्ट की बात करें तो एक्सनोस का 7904 सीपीयू ओक्टा कोर 1.8 GHz कॉर्टेक्स A73 पे काम करता है ये फ़ोन। और जीपीयू इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है कुल मिला के, लेकिन अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो 16,999 रुपये का ये वेरिएंट है। और जीपीयू माली G71 MP2, जो कि कुछ इतना अच्छा भी नहीं है, गेमिंग के रिस्पांस के लिए भी कुछ इतना अच्छा नहीं रहेगा। ये पबजी दिन ब दिन अपडेट आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। बाकी ठीक भी रहेगा एक हिसाब से, मैं कमेंड वमेंड नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं रहेगा। और बाकी आइए मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको बैटरी पावर अच्छी मिल जाएगी, 4000 mAh का आपको नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाएगा, और फास्ट चार्जर मिलेगा साथ में। ये इसमें 9.0 पाईएस्ट का वर्जन लगा हुआ है। और बाकी ये कैमरा ट्रिपल कैमरा में अवेलेबल होगा, और सेल्फी कैमरा जो इसमें वो भी फ्रंट साइड में आपको सिंगल कैमरे मिलने वाला है इसमें। तो मेमोरी की बात करें तो इसमें दोस्तों आप इसमें 32 GB 3 GB रैम और 64 GB 4 GB रैम में अवेलेबल होगा, और 128 GB 4 GB रैम में अवेलेबल होगा। तो आइए मैं आपको सिम ट्रे निकाल के दिखाता हूँ कि आप इसमें सिम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मेरे पास जो इजेक्टर टूल था वो गिर गया कहीं, तो मैं इसलिए मैंने दूसरी पिन का इस्तेमाल किया। और दोस्तों अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल है, और ये आप इसमें 2 सिम और साथ में माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज़ करते हैं। माइक्रो एसडी इसमें सपोर्टेबल करेगा 1 TB का, आप इसमें 1 TB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट जो इन डिस्प्ले है इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो मैं उसके लिए भी बना दूंगा एक, आप उसे चेक कर लेना। तो आइए आप तब तक फेस लॉक चेक कर लेते हैं हम। ये इसका फेस लॉक है, और फेस लॉक तो इसका काफ़ी स्मूथली फास्ट काम करता है, क्योंकि इसका जो कैमरा रहेगा सेल्फी कैमरा वो 16 MP रहेगा, इसका अपर्चर 2.0 रहेगा, और 180 पिक्सल वीडियो 30 FPS में आप बना पाएंगे। तो ये इसका फेस लॉक है, देखिए वो ऊपर कैमरे की साइड में अनलॉक हो रहा है। फेस लॉक तो अच्छा काम कर रहा है।
आइए मैं आपको अब इसका जो फिंगरप्रिंट है वो भी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मुझे प्रॉब्लम आई थी। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें वीडियो में देख लेना, क्योंकि जब मैंने रजिस्टर किया तब तक ये कैमरा चेक कर लेते, मैं आपको कैमरा चेक करवाता हूँ। और ये इसका मेन कैमरा रहेगा, 25 मेगापिक्सल इसका कैमरा रहेगा, 1.7 इसका अपर्चर रहेगा, एंड इसका अल्ट्रा वाइल्ड कैमरा रहेगा जो कि 8 मेगापिक्सल रहेगा, 2.2 इसका अपर्चर होगा। और इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, एंड तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का होगा, डेप्थ सेंसर वाला। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट बाकी एलईडी फ्लैश मिल जाएगी आपको, आप इसमें 180 पिक्सल का 30 FPS तक वीडियो बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बैक कैमरा ये इसका, इसमें स्लो मोशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो फोकस वगैरह जो भी, इसमें आप स्लो मोशन में भी वीडियो बना पाएंगे आप इसमें। और ट्रिपल कैमरा काफ़ी अच्छा दिया हुआ है फ़ोन, 16,999 रुपये की रेंज में ये फ़ोन आपको कैसा लगा है? मुझे तो अच्छा लगा है, बाकी इसमें मुझे फिंगरप्रिंट में, ये इसका फ्रंट कैमरा रहेगा दोस्तों 16 मेगापिक्सल, इसका अपर्चर रहेगा 2.0 का रहेगा, वीडियो आप इसमें भी 180 पिक्सल 30 FPS में बना पाएंगे। एंड फीचर की बात करें तो इसमें आपको जो CPU पावर मैंने आपको बता दी थी, बैटरी भी मैंने बता दी है 4000 mAh की, इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी। बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम जो भी आई है वो फिंगरप्रिंट की ही आई है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं आपको ये इसके इसमें इसके साथ जो फ़ोटो शूट किए होंगे मैंने, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप फ़ोटो चेक कर लेना। दोस्तों एक बार फिर मैं कहता हूँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल में हम लाइव गेमिंग वगैरह भी करते हैं। तो बाकी आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसका जो फिंगरप्रिंट है, ये इसका नोटिफिकेशन है, काफ़ी प्यारा लगता है क्योंकि 9.0 पाएस्ट पे काम करता है ना एंड्रॉयड, ये नया वाला एंड्रॉयड है इसमें लेटेस्ट वाला, तो अभी आगे आगे देखो क्या होता है, अभी टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ रही है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या होगा। तो बाकी बैक साइड में आप उसको, जो बैक साइड में आपको ये एक प्लास्टिक बॉडी टाइप में मिलता है, कोई ग्लास वगैरह, ये दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट है ना, बड़ी मुश्किल से रजिस्टर हुआ था, अभी तो ये मैंने कर लिया है, ये तो मैंने लास्ट में ये वीडियो मैंने डाली हुई है। तो बाकी मैं आपको ये देखो, कुछ प्रॉब्लम आती है, जल्दी रजिस्टर नहीं कर पाता है क्योंकि फिंगरप्रिंट जो इसका है इतना फास्ट नहीं है, फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम आती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी फिंगरप्रिंट में। और बाकी आपके सामने या जो भी है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इतना बुरा नहीं कहना चाहता हूँ फ़ोन को कि बहुत बुरा है, ऐसी बात नहीं है, सैमसंग का फ़ोन है, ब्रांड है, बहुत अच्छा फ़ोन है, बाकी कंपनी कुछ ना कुछ तो कमी छोड़ती है फ़ोन में, ऐसा तो होता नहीं है कि हर कोई फ़ोन में इतने फीचर दे। बाकी आपके सामने ही है, फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो गया मेरा, तो अभी मैं आपको फिंगरप्रिंट दिखाता हूँ खोल के, ये देखिए पुश करते हुए थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि जल्दी काम नहीं करता इसका फिंगरप्रिंट। इसमें प्लस पॉइंट यही है दोस्तों कि इसमें ज़्यादा से मुझे फिर फिंगरप्रिंट में ही फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इन डिस्प्ले इसका फिंगरप्रिंट है जो कि फास्ट काम नहीं करता है इतनी, बाकी आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। बाकी इच्छा है आपकी, फ़ोन मेरे ख्याल से तो सही है, बजट के हिसाब से देखा जाए तो 16,999 रुपये में काफ़ी हो गया, और बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप सैमसंग के कस्टमर हो तो आप सैमसंग के पास ही जाओगे, और किसी के पास नहीं जा सकते अगर आपने सैमसंग यूज़ किया है।